हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये देखें जी, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे सनस्क्रीन, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी आज वॉक के लिए चली जाऊँ। जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, तो ये सनस्क्रीन पहले लगा लेंगे अपने फेस पे ताकि हमारी जो स्किन है वो डैमेज ना हो, ताकि जो देखने वाला डर जाए और जो यार स्किन बचे और देखने वाला बचे। नहीं, मैं मास्क पहन के जाऊँगी, आप देखिए। तो इससे क्या होगा? इससे ये कि ये जो मुंह पे निशान पड़ जाते हैं, सनबर्न हो जाते हैं, तो ये जो से डैमेज नहीं होती हमारी स्किन, इसलिए जब भी निकले तो घर के अंदर भी मन के लगा के रहना चाहिए। लगा के सोना चाहिए? नहीं, लगा के सोना नहीं चाहिए, क्योंकि विंडो से भी लाइट अंदर आती है, तो सनलाइट से आपकी स्किन जो है वो खराब नहीं होती, खासतौर पर जिन औरतों के बच्चे होते हैं और उसके बाद जो स्किन काफी खराब हो जाती है। बच्चे जिनके होते हैं, बच्चे के मामा होते हैं, जिन भूत आ गए, जिन भूत। हाँ, जिन भूत, ये देखें। अच्छा, देखें कितनी अच्छी है, बिल्कुल। तो कितनी वॉक होगी आज? आज 1 घंटे की वॉक होगी। और आप ऐसे ये मत समझिएगा कि मैं ऐसे चली जाऊंगी, आप मेरी पूरी तैयारी देखेंगे। देखिए यहाँ पे शूज पड़े, ऐसे ना हो कि आप समझे कि ओहो चप्पल पहन के कौन जाएगा वॉक करने के लिए। तो ये तो रनिंग शूज है, ये तो रनिंग शूज है, तो रनिंग भी कर लूंगी मुझे, क्योंकि ये इजी लगते हैं लाइट से, तो इसलिए मैं यही पहनूंगी। नाइकी के शूज हैं, आज थोड़ा चाहे अब बंदा पहन के लेट जाए चाहे दौड़ ले, बात तो एक ही है। क्या याद आती है ये वॉक के लिए? शूज आ रहे हैं मेरे बड़े, ये नहीं फजूल, नहीं ये कोई फजूल नहीं, अच्छे शूज हैं। ये मैंने वॉक का बता के लिया था कि मैंने वॉक करनी है, क्योंकि योगा के मेरे एक और ब्लैक है, वो योगा के लिए, तो पहन के वो वॉक नहीं कर सकते। योगा करने के लिए भी एक योगा के शूज ही चाहिए होते, योगा मतलब पैर ही करता है, वॉक चलता है नहीं। जी नहीं, जी नहीं, शूज भी चाहिए होते हैं। योगा बंदा बैठ के करता है, शूज जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपको किसी दिन शूज के साथ भी योगा करके दिखाऊंगी, फिर आपको स्किन आएगा। अब इसे हम अच्छे से ट्राई कर लेंगे, ऐसे ना जब रनिंग हो रही हो और शूज जो बाहर आ जाए पैर से। क्या ख्याल है आपका? ये तुमने तो कहा वॉक करने जा रही है। चलो आप ये समझ ले कि मैं रनिंग करने जा रही हूँ, ठीक है? अब ऐसे ना क्या मेरे पीछे कुत्ते भेज रहे हैं। तुमने ये गलत बात किया, गलत बयानी की है। नहीं, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की, मैं कंफर्टेबल ये शूज पहन के जाने के लिए। और अब आपने ये नहीं समझना कि मैं शायद ऐसे चली जाऊंगी। अब मैं अपने जो बाल है ये देखें कितने खूबसूरत से बाल है, हम करेंगे टायर जो कि हम इतने की भी नहीं किए, लेकिन इट्स ओके, टायर है, हम वॉक के लिए जा रहे हैं। कहाँ भी करोगे वॉक? ये मैं क्यों बताऊँ? रश रहा है अब, ये मतलब है कि घर के अंदर के बाहर, घर के अंदर ही? नहीं नहीं, मैं बाहर, घर के अंदर ही लॉन्ग में वॉक कर लूँ। नहीं, मैं बाहर वॉक करने के लिए जाऊंगी। और कहाँ है मेरा चश्मा? तो नहीं पहनोगी वॉक के लिए? नहीं, मैं चश्मा नहीं पहनूंगी। चश्मा पहन लो वैसे वॉक के लिए, ठीक है? नहीं, मैं चश्मा नहीं पहनूंगी, मैं मास्क पहनूंगी। आप ये देखें जी, ये मास्क जो है वो मैं लग गया। मास्क बहुत जरूरी है वॉक के दौरान। क्यों? क्योंकि कोरोना बाहर फिर रहा है साथ साथ। कोरोना कोरोना डिस्टेंस रखने के लिए कोरोना साथ साथ फिर रहा है। ओहो, कोरोना का नहीं फिर रहा है। मुझे कौन सा मेरा मास्क चाहिए? तो मेरा मास्क कर लो, मुझे चाहिए कोई भी पहन लो। कितने तरह के मास्क है, लेकिन चलो ये पहन लेते हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा ना, वो लॉन का, लॉन का है तो ये देखिए ऐसा मास्क पहनेंगे और बड़ी जबरदस्त से भर धूप लग रही है उसमें करेंगे हम वॉक। और ये मैं वॉक करने के लिए जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ वॉक करने के, एक बच्चे को मैं साथ लेके जाऊँ। वो लड़की दिन बड़े वायरल हो रही है, इसने अल्लाह को नारा लगाया, वो भी इस तरह लग रही है देखने में। अच्छा, तुम्हारी वीडियो थे नहीं? वो मैं छुप के चली गई थी। लेकिन वो लड़की पर जो बड़ा अफसोस हुआ कि कैसे हिंदुओं ने, कैसे बदतमीज लोगों ने किया है, और उसको हमें चाहिए बीइंग मुस्लिम को उसको प्रमोट करें, उसकी हर जगह बात करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब इस्लामिक मुल्क में कोई ऐसा मसला होता है तो कैसे उसको प्रोपेगेंडा किया जाता है, और ये नॉन इस्लामिक मुल्क में मुसलमान लड़की के साथ कैसे बदतमीजी की गई है, तो बहुत ही अफसोसनाक है वो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और तो उस पर हम सेगमेंट करेंगे इंशाल्लाह, उस पर सेगमेंट करेंगे लाइव जाके, क्योंकि मैं उसके मुताबिक कुछ बात करना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह सेगमेंट करेंगे लाइव, उसको डिस्कस करेंगे और उस लड़की को इंकरेज करेंगे और उसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें जी कितना खूबसूरत सा पार्क है जहाँ पे मैं वॉक करने के लिए आई हूँ। और ये देखें, ये वॉक ट्रैक बना हुआ है, तो यहाँ पे तकरीबन हमने मैं 10 से 15 चक्कर लगाऊंगी, तो उसमें 1 घंटा जो है ना वो गुजर जाता है।
और देखें कितना पुरसकून सा लग रहा है, इतनी अच्छी धूप है और ग्रीनरी, साफ सुथरा सा ट्रैक। अब हम करेंगे यहाँ पे वॉक, और वॉक करने के बाद जो हालत होगी वो दिखाएंगे आपको कि कितना को पसीना आया, कितने को हमने जो कैलोरीज है वो बर्न की है। और ये देखें कितनी खूबसूरत सी बटरफ्लाई, वाह। किधर गई वो देखें, ये किधर गई, ओहो। अब देख लेंगे पानी की। एक घंटे के लिए मैंने वॉक की, वॉक करके वापस आई, फ्रेश हुई और अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि आज दिल चाह रहा है पास्ता खाने का और मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ चटपटा सा खाया जाए। तो अब चलते हैं ग्रोसरी करने के लिए, अपनी चीज़ें लेके आएंगे पास्ता तैयार करने के लिए और फिर पास्ता तैयार करेंगे।
और ये देखें जी, जो मैं ग्रोसरी करने के लिए गई थी, बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि मामा हमने पास्ता खाना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलें फटाफट से हम ग्रोसरी कर लेते हैं और पास्ता तैयार कर लेते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा पास्ता तैयार हो रहा है। आगे आप देखिएगा कि ये देखने में कैसा लगता है, ये इतना ज़बरदस्त हमारा पास्ता लग रहा है। अब अपने फ्लेम को हम कर देंगे थोड़ा सा लो, क्योंकि सॉस हमारे जो है ना पहले से पक चुकी थी। इसका फ्लेम कर देंगे लो। और अब मुझे चाहिए एक छुरी चाहिए आयशा। तो इस पे चीज हमने डाल दी है, अब हम इसके ऊपर, और ये देखिए हमारी जो जबरदस्त चीज है वो मेल्ट भी होना शुरू हो गई है। देखिए अब हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे, अपने फ्लेम को हम लो रहने देंगे और इससे 2 से 4 मिनट के लिए दम लगा लेंगे ताकि चीज़ हमारी जो अच्छे से मेल्ट हो जाए। चले जी, अब हम चेक कर लेंगे हमारी चीज़ मेल्ट हुई है कि नहीं। इसे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ ग्रीन अनियन, और साथ ही थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ धनिया, सिर्फ और सिर्फ इसे गार्निश करने के लिए। ये देखें रेड वाइट और ग्रीन कलर कितने ही ये खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार सी फैमिली। तो अब हम इसमें हल्का सा चम्मच में आपको इसमें हिला के दिखाऊंगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त सी चीज़ लग रही है, ये देख लें आप, ये देख लें गाइस, ये देख लें। अगर मुँह में पानी ना आए तो पैसे वापस, ठीक है। आयशा भी हंस पड़ी। और ये देखें जी ज़बरदस्त सा हमारा जो पास्ता है वो रेडी हो चुका है। मैं फटाफट से पहले इसकी फ़ोटो ले लूँ, फिर इसे हम हिलाएंगे। और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो चीज़ी पास्ता है ये रेडी है। बहुत ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा मैंने चीज़ नहीं डाली। अगर आप इसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ डालना चाहते हैं तो आप जिस प्लेट में सर्व कर रहे होंगे उसके ऊपर इसी तरह से चीज़ डाल के आप उसे माइक्रोवेव में 1 से 1.5 मिनट के लिए लगा दें, और इसमें चीज़ ऐसे ही ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाएगी। ये देखें चले जी, अब इस पास्ते को हम कर लेंगे सर्व और निकाल लेंगे एक प्लेट में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।